नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं निधि विश। तो चलिए, वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का, ये शुरुआत करते हैं पहली खबर से। गोवा चुनाव से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी मतगणना के तुरंत बाद अपने विधायकों को राजस्थान या छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर सकती है। गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद कांग्रेस वहां अपनी सरकार बनाने में विफल रही थी। ऐसे में इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। भारत चीन सीमा से सटे दारमा घाटी के कई गांवों का शेष जगह से सड़क संपर्क टूट गया है। भारी बर्फबारी के बाद ग्लेशियर से हिमखंड के सड़क पर आ जाने से यातायात ठप है, जिससे स्थानीय गांवों के लोगों के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों की भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक 39,343 सर्विस वोट पहुंच चुके हैं, जो कुल सर्विस वोटर का 41% है। प्रदेश में सभी 70 सीटों पर 94,471 सर्विस मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट जारी किए गए हैं। नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए चल रही तैयारी के बीच देहरादून में 5 मुख्य स्थानों पर डंपिंग प्लेसर बीन यानी कि बड़े कूड़ेदान लगाए हैं। कलकावली जीएमएस रोड पर मेयर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त अभिषेक रुहेला ने इनका उद्घाटन किया। विधानसभा चुनाव में भाजपा बेशक पूर्ण बहुमत मिलने का दावा कर रही है, लेकिन अंदर खाने उसकी जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की भी तैयारी चल रही है। सियासी हलकों में ये चर्चा खासी गर्म है कि जिताऊ माने जाने वाले दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। तो फिलहाल आज के उत्तराखंड के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।